हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल गोयनका मैथ्स स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हम अपने इस चैनल पर एकेडमिक मैथमेटिक्स के साथ साथ वैदिक गणित और रीजनिंग की वीडियो देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास वाले भैयाओं के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 6.5 है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.4 इस कोरोना महामारी के चलते हुए 2021 की बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में से ख़त्म कर दी गई है, इसलिए हम 6.3 के बाद सीधे 6.5 का सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसकी हम शुरुआत करते हैं। 1 से शुरुआत करेंगे, प्रयास करते हैं, देखते हैं कि आज कितने सारे क्वेश्चन इस वाली वीडियो में हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर ट्रायंगल्स इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। तो देखिए प्रत्येक पार्ट की यहाँ तीन तीन साइडें दी हुई हैं। मैं पहले वाले पार्ट की साइड्स यहाँ लिख देता हूँ, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड्स गिवन में हैं। अब आपको करने का क्या है कि ये देखना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। तो 8th क्लास में जिस प्रकार से आपने ये फाइंड आउट किया था कि जो नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं, जो साइड्स मेजरमेंट दे रखी हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है कि नहीं, वही वाली प्रोसेस है। इनमें जो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे आप, 6 to 5 आ गया। बाकी की जो दोनों छोटी छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का प्लस कर लेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576, तो इन दोनों का टोटल हो गया 625। ओके, तो देखिए इन दोनों का सम यानी बड़ी वाली साइड का स्क्वायर छोटी छोटी के दोनों के स्क्वायर का सम सेम आ गया। रीजन ये लिख देंगे h 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, सो दीज साइड्स आर राइट ट्राइंगल्स, है ना, आर ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, राइट ट्राइंगल फॉर्म्ड, क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा राइट ट्राइंगल बन गया और इसका जो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनस होगी। तो सबसे बड़ी वाली लॉन्गेस्ट साइड इसमें कौन है, 25, तो हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के सारे पार्ट, इसमें तीन पार्ट और हैं इसके अलावा जिनको आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन, मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट पी, पी एम इज परपेंडिकुलर क्यू आर, देन प्रूव दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम 6.3 में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी 6.3 में कि ये पूरी एक साइड गिवन थी क्यू आर इंटू एम आर, ऐसे करके था, बट यहाँ पर क्या है क्यू एम इंटू एम आर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को दोनों को हमें आपस में सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, यूज यहाँ पर वही पाइथागोरस थ्योरम का, सिमिलरिटीज का ही लगेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगना नहीं है। ठीक है, पाइथागोरस के अलावा इसमें केवल सिमिलरिटीज वाले से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए प्रूफ में आपको क्या करना है, पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल को एक बार इसके सिमिलर कर लेंगे, फिर वही इसके सिमिलर हो जाएगा, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से करना है। इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी इक्व टू एंगल इस वाले का, तो एंगल पी और इस वाले का एंगल कौन सा ले रहे हैं अपन, एक तो ये पी क्यू आर ले रहे हैं, दूसरा पहले पी क्यू एम ले रहे हैं, तो इसका एंगल एम ये हमारा ईच 90 का हो जाएगा, और एंगल क्यू हमारा दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल क्यू इक्व टू एंगल क्यू, ये हमारा दोनों में कॉमन हो गया। सो ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्रायंगल इसका जो पी था वो इसका एम है,
क्यू क्यू है तो फिर इसका कौन बचा, पी बचा, यानी एम क्यू पी के। क्लियर हो गया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से आपको इसी पी क्यू आर को इसके इधर करना है इन ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर और पी एम आर में एंगल आर इजकल टू एंगल आर, ये तो हमारा कॉमन हो गया, और एंगल पी इक्वल टू एंगल एम, ये हमारा ईच 90 का हो गया। सो ट्रायंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर हो जाएगा, पी किसके है, एम के है, ट्रायंगल एम, आर आर हमारा इनमें कॉमन है तो आर तो लास्ट में जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी, यानी एम पी आर। इक्वेशन नंबर टू, इसका रीजन बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसका भी रीजन बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सो यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू से, वन और टू से क्या कंडीशन हो जाएगी, ट्रायंगल एम क्यू पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एम पी आर के। अब इसमें आप सी पी एच मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, ये आप लगा दीजिएगा एम क्यू अपॉन एम पी इजकल टू पी क्यू अपॉन पी आर इजकल टू एम पी अपॉन एम आर, ठीक है। तो हमें क्योंकि पी एम स्क्वायर लेकर के आना है तो हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी एम स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा क्यू एम इंटू एम आर। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया था ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रूफ होती है, ओके। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ेंगे। इसका हमें फिगर दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, इज अ राइट ट्राइंगल राइट एंगल डेट ए। चलिए हम इसका फिगर बना लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए इजकल टू 90 डिग्री एंड ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ये हमको गिवन में है और प्रूफ हमें इसके तीन पार्ट करने हैं, ठीक है। और तीनों पार्टों की जो थ्योरी है अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया है ठीक लगभग डिक्टो उसी टाइप से क्वेश्चन होना है। चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट, ए बी स्क्वायर इक्व टू बी सी इंटू बी डी। देखिए ए बी स्क्वायर इक्व टू बी सी इंटू बी डी, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो किस प्रकार से होना है, ए बी स्क्वायर, तो ए बी इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज वेल एज पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो आपको क्या करने का, ए बी सी और ए बी डी इन दोनों को पहले हम सिमिलर कर लेंगे, कर लीजिए। एंगल बी, एंगल बी दोनों में कॉमन है, इसका एंगल ए बड़े वाले का और छोटे वाले का एंगल सी ए बी सी का ईच 90 हो गया। सो ट्राइंगल ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हमने किसके कॉन्गनेट किया, इसका जो ए है बड़े वाले का, छोटे वाले का सी है तो सी आ गया, बी और बी दोनों में कॉमन है तो बी आ गया, तो छोटे वाले का बचा कौन, ए, तो ए आ गया भाई, ए सिमिलरिटी से हो गए। इसमें आप सी पी एच टी लगा दीजिएगा। देखिए इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये हमने लगा दिया। अपन को लाना क्या है, ए बी स्क्वायर लाना है। ए बी स्क्वायर किन किन के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनेगा, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनेगा ए बी स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग इंटू कर देंगे। तो ए बी इंटू ए बी, ए बी स्क्वायर इक्व टू ये आ गया हमारा बी सी इंटू बी डी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक इसी प्रकार से आप पहले थर्ड वाले पार्ट को करना, फिर इसका जो सेकंड वाला पार्ट है जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था बिल्कुल डिक्टो उसी तरीके से है, ठीक है ना। क्योंकि फिर ये जो छोटे छोटे वाले दोनों ट्राइंगल है, अभी थर्ड वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो थर्ड वाला है जो छोटा वाला ट्राइंगल है वो भी बड़े वाले के सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब ये भी इस बड़े वाले ट्राइंगल ए बी डी के सिमिलर है, ये भी ए बी डी के सिमिलर है, तो ये आपस में दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं थर्ड वाले पार्ट को पहले अपन यहाँ करेंगे। देखो बच्चों, हमने इसमें पहले थर्ड वाले पार्ट को कर दिया, थर्ड वाला पार्ट प्रूफ करके क्या लाना है, ए डी स्क्वायर इक्व टू बी डी इंटू सी डी। आप इसमें देखिए ए डी स्क्वायर लाना है, यानी डबल ए डी चाहिएगा, तो ए डी इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए सी डी एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ओके। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी को ले लिया है, एंगल ए एंगल सी ईच 90 के हैं, यानी ए बी डी का तो ये पूरा एंगल 90 का है और ए सी डी का ये इधर वाला सी 90 का है,
और एंगल डी इन दोनों में कॉमन है तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमने इनकी साइड्स की रेशियो लगा दिए। आपको लाना क्या है, ए डी स्क्वायर लाना है। किस किस का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए डी स्क्वायर बन रहा है, इन दोनों का इनटू करने पर ए डी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ये हम कर देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें पार्ट सेकंड प्रूफ करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, ए सी स्क्वायर लाना है, बी सी और सी डी लाना है, तो हमें ये बी सी भी चाहिए, सी डी भी चाहिए और ए सी का स्क्वायर यानी डबल ए सी। तो ए सी इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल दिस एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्राइंगल दिस, तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूफ बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू द लार्जर ट्राइंगल, देन वी कैन से दैट बोथ स्मॉलर ट्राइंगल्स आर सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्लियर। तो फर्स्ट में छोटे वाले ट्राइंगल का हमने नाम क्या लिखा है, सी बी ए ट्राइंगल, सी बी ए सिमिलर, क्योंकि बड़े वाले का तो हमें सेम रखना पड़ेगा तभी हो पाएंगे, वही की वही नाम है ना, सिमिलर ट्राइंगल सी ए डी। ओके, अब लगा देंगे इसमें हम वही चीज, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो सी बी अपॉन सी ए इक्वल बी ए अपॉन ए डी इक्वल सी ए अपॉन सी डी। अब हमें क्या लाना है, ए सी स्क्वायर लेकर के आना है, तो ए सी स्क्वायर इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बनेगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ही हम कराएंगे। थैंक यू। Que onda tu chacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolar, pero rock, back, frente.